नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस स्मार्ट कार रिव्यू में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले मारुति सुजुकी की दी मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम एमपीवी मारुति अर्टिगा 2021 न्यू जनरेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि खबर आ रही है कि मारुति सुजुकी अपनी न्यू अर्टिगा को इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट में भी जल्दी लॉन्च करेगी, जो कि पहले यानी मौजूदा मॉडल की तुलना में न्यू अर्टिगा काफी खूबसूरत है। वहीं दोस्तों नई अर्टिगा मारुति सुजुकी 2021 की फ्रेश लुक बिल्कुल ही अलग और काफी शानदार है, जिसका सीधा सीधा मुकाबला महिंद्रा की मराजो जैसे शानदार कारों से कड़ी टक्कर होगी। तो वहीं दोस्तों न्यू जनरेशन अर्टिगा 2021 में कुछ ऐसे फीचर्स भी लैस होंगे जो न्यू अर्टिगा को एक शानदार अलग ही पहचान देती है। तो उसी के बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे 2021 मारुति सुजुकी अर्टिगा न्यू एमपीवी कार से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों आपको बता दें कि मारुति सुजुकी की अर्टिगा देश में एमपीवी में से काफी जानी मानी पहचानी एमपीवी कार है। तो वहीं कंपनी ने पहले के मुकाबले अपनी न्यू जनरेशन अर्टिगा 2021 को एक स्पोर्टी लुक देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मारुति ने अपनी न्यू जनरेशन अर्टिगा को बिल्कुल लोगों के हिसाब से और बजट में अपडेट किया है, जो कि लोगों को अपनी ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मारुति सुजुकी ने अपनी अर्टिगा को अपडेट कर काफी प्रीमियम एक मस्कुलर लुक और पावर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले इसके एक्सटीरियर लुक्स की, तो इसके एक्सटीरियर लुक्स में कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। इसके एक्सटीरियर पहले जैसी ही होने वाली है, लेकिन इसके लाइट और फॉग लैंप में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके एक्सटीरियर फ्रंट लुक में आपको सामने की तरफ आपको बिल्कुल नए डिजाइन की अट्रैक्टिव फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि सुजुकी की बड़ी लोगों के साथ लैस होगी। और साथ ही आपको न्यू डिजाइन प्रोटेक्टर हेडलैम्प हो गई, जिसकी रोशनी पहले से अपडेट होगी, यानी इसकी रोशनी पहले से ज्यादा तेज होगी। और साथ ही आपको नई फॉग लैंप, नई एलईडी डीआरएल, से नए डिजाइन की एलईडी टेल लाइट, फ्रंट एंड रियर स्कीड प्लेट, रूफ रेल, शार्कफिश एंटीना, ओआरवीएम टर्न इंडिकेटर और डुअल टोन और मोनोटोन कलर की ऑप्शन। और टायर के साथ आपको R17 R16 इंच तक की बिल्कुल नए डिजाइन की स्टील व्हील या अलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ बात आती है इसके इंजन पावर की, तो 2021 मारुति सुजुकी की नई अर्टिगा एमपीवी कार के इंजन में आपको BS6 नाम का पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन की ऑप्शन देखने को मिलेगी। और ये BS6 पेट्रोल इंजन आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल जनरेट करता है। और वहीं दूसरे इंजन की ऑप्शन में आपको BS6 नाम का 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 100 bhp के करीब पावर देगी। और ये एमपीवी कार आपको पहले की जैसी ही फ्रंट व्हील ड्राइव की ऑप्शन में देखने मिलेगी। दोस्तों इन थोड़ा ध्यान दें इसके इंटीरियर की तरफ, तो 2021 मारुति सुजुकी की नई जनरेशन अर्टिगा कार के इंटीरियर को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 10 इंच तक की इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है, जो कि कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस के एडवांस फीचर को सपोर्ट करेगा। और साथ ही आपको नए सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ सुजुकी की बेजिंग के साथ मल्टी फॉक स्टीयरिंग व्हील देखने मिलेगी, जो कि पावर स्टीयरिंग होगी। और ये पावर स्टीयरिंग केवल टॉप वेरिएंट में देखने मिलेगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर लुक्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, लार्ज डोर पॉकेट, बॉटम लैंड कप होल्डर, 7 इंच तक की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 6 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट क्लाइमेट मोड, 3 रो सीटिंग लेआउट जो कि 6 सीटर और 7 सीटर की ऑप्शन में देखने को मिलेगी, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने मिलेंगे। दोस्तों ये बात आती है इस नई जनरेशन अर्टिगा एमपीवी कार की सेफ्टी लुक्स की, तो 2021 मारुति सुजुकी की नई जनरेशन अर्टिगा कार के सेफ्टी में आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, ऑल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ब्रेक असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट प्रोग्राम, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद पेटेशनर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड लॉक जैसे फीचर्स आपको इसके सेफ्टी लुक्स में देखने मिलेंगे। दोस्तों ही फाइनली बात करें 2021 मारुति सुजुकी की नई अर्टिगा एमपीवी कार की प्राइस की, तो प्राइस में आपको एक अनुमान के अनुसार 8.50 लाख से शुरू कर 12.30 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में नई जनरेशन अर्टिगा कार एमपीवी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली ये नई जनरेशन अर्टिगा एमपीवी कार आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।